मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज धार विधानसभा के पिथमपुर पहुंचे हैं और उन्होंने प्रभा देवी बालमुकुंद सिंह गौतम के पक्ष में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को विजय बनाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा देवी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा मंत्री है, वे सिर्फ घोषणाएं करते हैं, कोई भी योजनाएं पूरी नहीं करते। भाजपा ने कभी न तो किसानों का भला किया है और न ही गरीबों का। भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा ही माफ करती है, गरीबों और किसानों का कर्ज बिल्कुल माफ नहीं करती है। प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर भाजपा कभी बात नहीं करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के वचन पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए तथा गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा देवी बालमुकुंद सिंह गौतम के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील भी की है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। उम्मीदवार प्रभा जी को दिया जाएगा और उन्हें भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, नर्मदे जय हिंद। कांग्रेस भी किसान का, मजदूर का, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। उद्योगपतियों का तो बड़े बड़े का कर्जा माफ हो गया, लेकिन छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये सारी बातें आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है। आपको विश्वास हम लोगों के ऊपर हमेशा से रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है सो करती है। कमलनाथ जी को 15 महीने मिले, लेकिन उन्होंने 15 महीने के अंदर भी किसानों का कर्जा माफ करना शुरू कर दिया था। लोगों को बिजली के बिल कम कर दिए थे। हमारी पुलिस वालों के लिए भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी कर दी थी। और आज हमारा वादा है, जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पुरानी पेंशन दी जाएगी। जो रिटायर हो गए उनको भी पुरानी पेंशन दी जाएगी। जो कहना कहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी धमकाती नहीं है। ये प्रवृत्ति जो है भारतीय जनता पार्टी की, और विशेषकर हमेशा जो कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं का सम्मान हमेशा से किया है। आरक्षण भी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। अभी